हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज है 29 मई, यानी कि 29th में है और अभी सुबह नहीं है। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ आफ्टरनून में, यानी अभी हो रहे हैं 11:55, यानी कि 11:55। तो सुबह से बहुत काम किया, झाड़ू पोछा किया और बाकी क्या। आज हमारे घर में स्पेशल कुछ बन रहा है, चिकन बन रहा है और फ्राइड राइस बन रहा है और रायता बन रहा है, तो उसकी पूरी तैयारी की है मैंने। तो मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। थोड़ी कड़ी ज्यादा है वो रखना है, हर बार वो कम हो जाती है ना, शाम को भी खाएंगे ना। बना मैं रही हूँ। हाँ, वो अभी क्या है ना, इसको फ्राई नहीं किया हमने। और ये सोयाबीन हो गई। मम्मी पूजा आलू चुरा रही है फिर से, देखो पिछली आलू है ही नहीं तो क्यों पूजा। हाँ, बोले क्या नहीं लाए नहीं थे पापा। तो आज है वीकेंड और पूजा की फरमाइश थी कि हम चिकन बनाएं, तो मैंने और अम्मी ने चिकन बनाया, फ्राइड राइस बनाया और रायता बनाया। तभी पूजा की जुबान ही सुनते हैं कुछ हम। पूजा बताइए कैसा लग रहा है? देखने में तो अच्छा लग रहा है, आप खा के बताओगे कैसा लगता है। ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाओ। हाँ, सब आ जाए फिर। तो ये रहा चिकन, ये रहे वेज फ्राइड राइस, ये थोड़ी सी मूंगफली और ये रायता। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, सब आ जाओ ना पहले। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज सर धोना था तो मैंने सर धो लिया। और हाँ, बहुत दिन से ना मुझे एक साबुन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। चंद्रिका सोप है जो मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ, उससे पिंपल वगैरह कुछ नहीं होते। तो 2 हफ्ते से वो कहीं नहीं मिल रहा था यहाँ पे। फाइनली कैंटीन गए पापा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ मिला मेडिमिक्स। तो मेडिमिक्स से नहा के काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो मेरे जो छोटे मोटे पिंपल्स हैं चेहरे पे देख रहे हैं वो भी एकदम से चले जाएंगे, क्योंकि जो आयुर्वेदिक सोप होता है या फिर मतलब जो अच्छे सोप होते हैं, जो नीम के होते हैं, इन सब चीज़ों के, वो मेरे चेहरे पे बहुत जल्दी सूट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है चेहरे पे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, इनको गौर करना एक बार। ये जो लड़की दिख रही है, मास्क आँख पे लगा के रखी है और ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और इन लोगों का मास्क तो है ही नहीं, एकदम नीचे। मतलब यार, इस टाइम तो कम से कम अपने बच्चों को आप संभाल के रखो। अच्छा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों को सीरीज़ देखना पसंद है अमेज़ॉन प्राइम पे, या फिर नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेटफ्लिक्स पहले मैं देखा करती थी, लेकिन मुझे नेटफ्लिक्स से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अमेज़ॉन प्राइम, तो मैं अमेज़ॉन प्राइम देखती हूँ। मैं बहुत सारी सीरीज़ देखती हूँ, पर एक सीरीज़ जिसने मेरे दिल को छू लिया वो है ब्रीद इन टू दी शेडोज़। अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं, यानी कि अभिषेक बच्चन, उनकी है और बहुत अच्छी, आपको एक बार ज़रूर जाके देखनी चाहिए। सीरीज़ या फिर अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स खोलना ऐसा होता है, मतलब एक बार आप खोल लो ना तो आप एक के बाद एक एपिसोड देखते रहो और आपका दिल नहीं भरता। आपको लगता है अच्छा आप कोई न्यू सीरीज़ देखते हैं, अच्छा ये देखते हैं, अच्छा वो देखते हैं। कभी भी आप यदि बोर हो रहे हो ना घर में, बस एक बार अमेज़ॉन प्राइम डाउनलोड कर लो या फिर नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लो और देखो क्या मज़ा आने वाला आपको। मम्मी, ये छत पर किसको पतंग उड़ानी नहीं आ रही है? तो ये बाबा हमारे घर पे क्यों लैंड कर रही है? काट दूं? ओ मम्मी आ गई, घर में आ गई। काट दे, काट दूं? अरे नहीं, बेचारा बच्चा रोएगा, देखो पकड़ नहीं सकते ना अभी। उड़ाना आता नहीं। वो बेचारा कल कितनी प्रैक्टिस कर रहा था इसको उड़ाने की, उड़ा नहीं पा रहा। हरियाणा की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शाम के समय यहाँ पे 7-10 तक आपको पतंग यानी कि काइट उड़ती हुई दिखाई देंगी पूरे आसमान में, हर एक थोड़ी 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 दूरी पे, लेकिन हाँ आपको ज़रूर दिखाई देंगी। यहाँ पे त्यौहार की तरह रोज़ मनाते हैं। और हमारे जो टेरेस है वहाँ पे पीछे मैंने आपको दिखाया होगा, वहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं वो, और जो साइड में रहते हैं प्लस वो बच्चे भी शाम को, हर शाम को अपनी अपनी काइट्स लेके ऊपर जाते हैं और वो लोग भी उड़ाते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या ढूंढ रही है? खाने के लिए चाहिए कुछ। भूख लगी है? ये एक वो खा ले केला, खाएगी। अभी कुछ ऐसी चीज खानी भी नहीं है, अभी तो कुछ खा नहीं पा रही, पानी पी के काम चला रही है। वो चिकन बनाया तो उसका पीस ले ले। मम्मी आपका सर दर्द कैसा है? बंद है अभी।
जो पूजा पूजा चला देती है, और फिर कंबल भी चाहिए सब ओढ़ने के लिए। और रात को पूरा आप लोगों ने चलाया, मैंने ना चलाया था। ज्योति बोलती ना दोपहर को चलना है कूलर, तू बोला ही पापा मेरे को तो चल रहा था, पर मुझे पूजा को देख के पसीना आने लग गई इतने, मतलब कूलर चलाने के बाद इसने कम्बल लेके सो रही। मैं कहा कर मेरे सामने कूलर चल रहा है, कूलर कूलर चल रहा है और कम्बल भी ओढ़ा हुई, ऊपर से चादर भी ओढ़ा हुई है। मुंह पे हवा आ रही थी, पूरे बाल गए थे, मैं सब मुंह पे आते सब मैंने चादर रख लिया मुंह पे, इससे तो फिर चादर भी ओढ़ के सो जाएगा। सही बात है, ठंड लगती है लेकिन सबसे ज्यादा लगती है रात को। सही बात है, मेरे तो सिर्फ एकदम ऐसा भारी भारी से हो गया पता है। आप यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे ठंडे में। कूलर नहीं चलता ना, कितने हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, अंधेरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, 7:30 हो रहे हैं। चीकू खाओ, धो दिए पापा ने, ये चीकू खा लो। आटा निकाल दे फिर, ताकि थोड़ा वार्म हो जाए, मैं रोटी बना सकूं। आटा है नहीं ना अम्मी, आटा फ्रिज में किस में रखा है? मैंने 2 चीकू तो खा लिए, लेकिन अभी मुझे पीना है इंडोरा मसाला दूध और केला भी खाना है। पता नहीं चीकू खाने के बाद आप दूध पी सकते हैं कि नहीं, पर मम्मी से पूछ के आ जाती हूँ। मैंने चीकू खा लिया, दूध पी सकती हूँ? पी लूँ, ऐसा तो नहीं है, वैसे मैं नॉर्मली पूछी थी कि चीकू के बाद दूध और केला। केला भी खाएगी? हाँ, अभी चीकू खाया, खा नहीं सकते बाद में खाने। मुझे नींद आ रही है, सुन। हाँ, खाना खा ले फिर केला खा लेना। खाना खा क्यों? खाना खाने के बाद अभी अभी चीकू खाए, फिर अभी दूध पिएगी, फिर अभी केला खाएगी, इसलिए खाने के बाद फिर केला खाना। पूजा लाइट जलाना, लाइट आ गई। अच्छा, कोई इंडोरा मसाला दूध पिएगा? नहीं, नहीं मम्मी, आप पियोगे इंडोरा मसाला दूध? आप इंडोरा मास वाला दूध पियोगे? नहीं पीना। केला? केला भी नहीं खाना। ठीक है, एक गेम खेलेंगे, फ्लिप द बॉटल, पकड़ो। जब जब भी आप बॉटल फेंकोगे उसको सीधी खड़े होना चाहिए बॉटल को। पानी पी दिया। चलो आओ आओ, देखो सुनो, ये जो बॉटल है ना, ये आपको यहाँ से इसकी जो गर्दन है ना, यहाँ से पकड़ के ऐसे उछाल लेना इसे, और इसको सीधी ऐसी आनी चाहिए। अगर आई तो आप जीतोगे, एक बार ट्राई मारो। चलो उठाओ, कैसे भी फेंको, 1, 10 में आ जानी चाहिए, 2, 3 नहीं, अच्छे से पकड़ो, 4 नहीं, 5 होती है, क्यों नहीं होती है, 5 और 5, 6। आप लगन मेहनत से नहीं कर रही हो, 6 होगी, 4 चांस और है। मैंने देख लिया, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं अभी भी मैंने देखी। चलो अब मेरी बारी, आप पकड़ो कैमरा। 1, 2, 3 अब तो मुश्किल है। Hey! 4 हो गई ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, नहीं हुई थी। 5, हाँ रख दी रख दी, ज्यादा है। 6, 7 अब नहीं होगी, पिचकी देखो यहाँ से। ज्यादा स्मार्ट बनती है, उसे खड़ी कर देती है। कोई और बोतल लेगा तो टूट जाएगी, बिस्लरी की वैसे भी कमजोर होती है। नहीं हुई, चलो और 6 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, 8 मिनट हो गई, 9 मिनट हो गई, हो गई, हाय नहीं हुई। तो इस गेम में मम्मी हार चुकी है और मैं जीत चुकी हूँ, बेईमानी से जीती है। पहले तो मम्मी हारी ना, मम्मी को ये जो पूरा पानी है ना ये पीना पड़ेगा। मैंने पहले पी लिया पानी, पूरा पीना भी आपको पानी, पहले खाना खाओ या नहीं पानी पियो। हाँ खाने के लिए बोला कि तो एक बोतल।
ठीक है, लेकिन आप खाना खाओगी ना तो आप जितने पानी पीते, आपको सिर्फ इतना ही पानी पीना पड़ेगा, एक ग्लास, या तो अभी पी लो या तो बाद में। हाँ, पनिशमेंट है। मम्मी कुत्ते को रोटी दे रही थी, वो कुत्ते को आया है नीचे, गाय भी है पता है, अरे चले, वो आता चला जाता। देख के आती हूँ। मम्मी गाय खड़ी है नीचे, छोटी वाली, आ जाओ। और कुत्ता तो चला गया। हो रहे हैं 9:50 रात के, हमारा डिनर हो चुका है, खा लिया है हमने, और बस एडिटिंग बाकी है। 10 बजे से मेरी एडिटिंग शुरू होती है, 12 साढ़े 12 तक चलती है। तो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं आपसे कल सुबह अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय।